हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज से मेरा ट्रैवल स्टार्ट हो रहा है। एक ट्रिप है मेरा चेंगमाई का। थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे, चेंगमाई का एक ट्रिप है मेरा 4 डेज का और वहाँ शूट है हमारा। तो शूट है तो सोचे चलते हैं वहाँ और आप लोग को मतलब कि वहाँ का एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पे क्या है। चेंगमाई वैसे तो पहले कभी गए नहीं है हम, काफी दिनों से हम सोच रहे थे वहाँ जाने के लिए, लेकिन अब ऊपर वाला मौका दे दिया, वहाँ का शूट भी आ गया तो वहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ का जो जैसा मतलब कि माहौल होता है वो चीज एक्सप्लोर करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं और आप लोग को लेके चलते हैं साथ में। तो अभी 4 बज रहा है यहाँ थाईलैंड में। अभी मेरे को एक स्टॉपेज पे जाना है जहाँ पे मैं सारे टीम आएंगे, वहाँ पे सब फैंस हम लोग जाएंगे बाय रोड इंजॉय करते। तो एक तरह से ये एडवेंचर होने वाला है और बहुत मजा आने वाला है। क्या बोले आपको, बहुत मजा आने वाला है। समझ रहे हो ना। तो चलते हैं, अभी स्टॉपेज पे पहुंचते हैं वहां पे। तो वहां का फिन जैसा होता है उसके बाद आपसे फिन मिलते हैं। तो चलिए बने रहे वीडियोस में और चलिए चलते हैं। सुबह का 4 बज गया है और देखिए बगल पड़ोसी घर में कुत्ता का बच्चा भौंक रहा है। तो सुबह का 4 अंधेरा है, देखिए एकदम पूरा अंधेरा है इधर अगल बगल में। तो चलिए अब पहुँचते हैं वहाँ, तो फिर आप लोग से मिलते हैं। थोड़ा कॉफी लेते हैं। सुबह ले ली है ये कॉफी, चलिए पीते हैं। फिर पहुँचते हैं तो आप लोग से फिर मिलते हैं। पहुँच गए हैं स्टॉपेज पे। अब यहाँ से वैन आ गई है पीछे, ये देखिए ये वैन आ गया है। ऐसे में हम लोग को जाना है तो फिर बैठते हैं। अभी तो अंधेरा है, थोड़ा सुबह उजाला होता है तो फिर आप लोग के साथ में बात करते हैं। एक आफ्टर अभी 8 बजने वाला, 5:30 में हम लोग का गाड़ी वहाँ से खुला था, 8 बजने वाला। तो पेट्रोल पंप है यहाँ पे और यहाँ कुछ खाने पीने का व्यवस्था है यहाँ पे, मतलब कि दुकानें हैं यहाँ पे। तो थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए हम लोग, थोड़ा नाश्ता वगैरह कुछ करेंगे लाइट वगैरह, क्योंकि यहाँ से हम लोग को चेंगमाई जहाँ पर हम लोग का लोकेशन है वहाँ पर हम लोग को जाने में 10 से 12 घंटा लगेगा बाय रोड। और वहाँ हम लोग के कुछ टीम वहाँ पहुँच गए हैं, तो वो लोग बता रहे थे जैसे कि वहाँ मतलब कि वेदर का जो टेम्परेचर है 10 है, तो काफ़ी ठंडा है वहाँ पे। तो एक्सपीरियंस करेंगे वहाँ पे जाके। तो अभी चलते हैं, कुछ खाते वगैरह खाते हैं, उसके बाद में फिर जैसा होता है वैसा आप लोग के साथ में शेयर करते हैं।
दूसरा स्टॉपेज पे हम लोग का गाड़ी रुका है, अभी 10 बजने वाला है। वहाँ ज़्यादा कुछ मिला नहीं तो हल्का सा जूस लिया खा के निकल गए हम लोग। फिर अभी गाड़ी वहाँ से चला तो फिर दूसरे स्टॉपेज पे रुका हुआ है। यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं तो यहाँ पे हम सी फूड ऑर्डर किए हैं। पामुक बोलते सी फूड ऐप बोलते हैं, कपाओ पामुक और राइस और ऑमलेट के साथ में अभी खाते हैं। तो फिर आप लोग से बात करते हैं। अभी ट्रैवल कर रहे थे रास्ते में तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस किए हैं, तो वो चीज़ अभी आप लोगों को बताएंगे क्या एक्सपीरियंस किए हैं। तो खाना मेरा रेडी है, वहाँ लेते हैं, फिर आप लोग से बात करते हैं, दिखाते हैं खाना आप लोग को। खाना पीना हो गया, सस्ता यहाँ, मतलब कि टाउन से बाहर निकलेंगे ना आप, गांव साइड में जाइएगा ना तो यहाँ खाना वगैरह सस्ता ही मिलता है। और सुने हैं चेंगमाई में भी खाना बहुत सस्ता मिलता है। और एक चीज़ बता दे दोस्तों, ट्रैवल कर रहे तो मतलब कि बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है जब भी ट्रैवल करते हैं आउट ऑफ सिटी। देखिएगा जैसे कि किसी भी देश में आप चले जाइए और किसी भी देश में जाकर आप जब शहर से बाहर निकलिएगा, तो शहर से जब बाहर निकलते हैं तो मतलब कि पूरा खेत ही खेत दिखाई देता है। तो वैसे ही मेरे को यहाँ पे खेत ही खेत दिखाई दे रहा, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। काफ़ी दिनों के बाद मतलब देख रहे हैं, लास्ट टाइम कोरट गए थे तो देखे थे, तो अभी यहाँ ट्रैवल कर रहे थे तो मतलब कि रास्ते में खेत पेड़ पौधे मतलब कि बीच में गांव में जैसे बना हुआ रहता है दिखता है व्यूज़, तो वैसा व्यूज़ मेरे को देखने को मिला। तो ये मतलब कि बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। तो कभी आप लोग आते हैं तो चेंगमाई ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये रिकमेंडेड जगह है, मतलब कि बहुत ही अच्छा लगता है। खेत वगैरह पहाड़ माउंटेन वगैरह पूरा दिख रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और क्या, ट्रैवल कीजिए कभी यहाँ पे आइए तो, बहुत ही अच्छा देश है, ट्रैवल कीजिए कभी। रियल कल्चर जो होता है ना किसी भी कंट्री का, गांव में आप जाइएगा तो आपको मतलब उस कंट्री का रियल कल्चर जो होता है, रियल खाना होता है, फूड होता है, वो सब आपको मिलेगा टेस्ट करने के लिए। लोग मिलेंगे आपको, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे देश में गाँव में, मतलब यहाँ जाइएगा तो। तो किसी भी कंट्री को मतलब कि आपको पूरा मतलब कि नज़दीक से जानना है तो उस कंट्री का गांव में जाइए, वहां आप जाइएगा तो मतलब कि आपको जानने मिलेगा कि मतलब कि कल्चर क्या है यहां का। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है। मैं कभी भी मैं मतलब कि जाता हूं, अगर गांव साइड में भी जाता हूं तो मतलब कि कोशिश करता हूं कि यहां का रियल कल्चर क्या है, यहां के लोग कैसे हैं, वो सब जानने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा है। शहर में आपको नहीं, आपको मतलब कि पकड़ नहीं पाएंगे आप, मतलब कि आपको पता नहीं चल पाएगा कल्चर क्या है, क्योंकि बहुत सारे क्राउडेड रहता है शहर में। तो मतलब कि गांव में आप जाइएगा ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्या जगह है, क्या लोग हैं, कैसे लोग हैं यहाँ पे, मतलब कि यहाँ का लोगों का रहन सहन, बात करने का तरीका कैसा है, तो आपको मतलब कि जानने मिलेगा। तो चलते हैं, अब हो गया टाइमिंग, हो गया सब कोई खाली है, तो हम चलते हैं अब अगले स्टॉपेज में जहाँ रुकते हैं वहाँ पर आप लोग को दिखाते हैं और आप लोग से फिर बात करते हैं। एक जगह और आकर रुके हैं, अभी वहाँ से निकल गए थे तो फिर अभी यहाँ 11 बज रहा है तो एक और स्टॉपेज पे यहाँ रुके। एक कैफ़े, यहाँ पे बहुत ही सुंदर कैफ़े है, छोटा अच्छा सा इंटीरियर इसका है, डिज़ाइनिंग बहुत ही अच्छा है, ट्री वगैरह है, पूरा बगीचा है एकदम, मतलब पूरा पेड़ पौधा इसमें फैला कर रखा गया है, मतलब अच्छा व्यूज़ है यहाँ पर अभी। तो रुके हैं लोग, कुछ लोग कॉफ़ी वगैरह लेते हैं तो पीते हैं लोग। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर है कैफ़े, बहुत ही अच्छा सुंदर ये सजाया गया है। ये बहुत सुंदर है, पीछे देखिए बहुत ही सुंदर है। लोग अपना आते हैं, बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं, कॉफ़ी वगैरह यहाँ ये बहुत ही सुंदर है। बीच बीच में मिलता है तो आदमी रुक के थोड़ा रेस्ट करता है, अपना ड्रिंक्स वगैरह एंजॉय कर रहा है। चलिए हम देखते हैं, बात करते हैं आशा थोड़ा। एक और चीज़ आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये बहुत ही पुराना मॉडल गाड़ी है, इसको अच्छा मेंटेन करके यहाँ रखा गया है।
भाई पहाड़ के ऊपर तो आ गए हैं, क्या चुम्मा जगह है कि बोलिए मत। अभी पहाड़ के ऊपर गाड़ी चला ऑलमोस्ट नहीं भी तो मेरे को लग रहा है 80-90 किलोमीटर तक, मतलब कि पहाड़ पर गाड़ी चढ़ा। पहाड़ ऐसे है भाई, ऐसे 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 एकदम ऐसे ऐसे चढ़ रहा, घूम रहा ऐसे। अभी स्टॉपेज लिया गया है यहाँ, थोड़ा हल्का ठंड भी हमको लग रहा है, धूप भी है, लेकिन ठीक है स्टॉपेज लिया गया, थोड़ा फ्रेश वगैरह हम लोग होंगे। तो ये है यहाँ का नज़ारा, ज़रा देखिए, बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है बहुत। ये मेरा मतलब कि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है लाइफ में, ऐसे माउंटेन एरिया में आने का देख मौका मिला मेरे को, थैंक्स टू गॉड अपॉर्चुनिटी मिला मेरे को, अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। और आगे चलते हैं तो आगे का जो एक्सपीरियंस होता है वो चीज़ आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं, बहुत चीज़ आपके साथ में शेयर करना है, तो बताते हैं, तो थोड़ा फ्रेश हो ले फिर आप लोग को बताते हैं। तब तक यहाँ का थोड़ा नज़ारा देखिए आप लोग। ये एक और साइड पे हम लोग रुके हुए हैं, ये व्यूज देखिए यहाँ का, सिर्फ माउंटेन ही माउंटेन है यहाँ पे, बहुत सुंदर व्यूज है, देखिए ठंडा लग रहा है यहाँ भी। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं हम लोग पूरा लोकेशन पे, इधर ही हम लोग रहने वाले हैं अभी, और बाकी टीम आ रही है तो डिसाइड हो जाएगा कौन कहां कहां रहेगा, मतलब उसके बाद हम लोग अपने अपने रूम पे फ्रेश वगैरह होंगे फिर। लेकिन मज़ा आ गया, मतलब टोटल हम लोग को अभी 6:30 हो रहा, मतलब 13 घंटा हम लोग को लगा यहाँ पहुँचने में, जिसमें हम लोग का स्टॉपेज भी था, वो स्टॉपेज 1 घंटा का पकड़ लीजिए 1.5 घंटे का, तो 11 घंटा हम लोग को 12 घंटा हम लोग को लगा यहाँ पे आने में, तो मज़ा आ गया। एक चीज़ इंटरेस्टिंग मेरे को लगा यहाँ से दिखने में, रास्ता जो था जलेबी, आप लोग को पता ही है जलेबी की तरह रास्ता घुमा हुआ था एकदम, मज़ा आ रहा था, एडवेंचर रिस्क लग रहा था लेकिन अच्छा भी लग रहा था व्यूज़ देखने में। उसके बाद से और एक चीज़ दिखाएंगे, 90 किलोमीटर तक, मतलब कि हम जब पहाड़ पर हम लोग झुके हैं वहाँ से 90 किलोमीटर तक रास्ता में, मतलब कि कुछ दिखा नहीं खाने के लिए, ना कुछ खाने के लिए दिखा, ना कुछ दुकान देखा, ना कुछ नहीं दिखा, मतलब यहाँ तक कि ATM तक नहीं है यहाँ पे 90 किलोमीटर दूर तक। घर थे कुछ झोपड़पट्टी टाइप के थे, सुंदर बना हुआ था वो भी, मतलब कि अब हमको ये पता नहीं है, ना ही कुछ दुकान है, ना ही कुछ मार्केट था, कुछ नहीं था। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, जो मतलब कि अंदर जो रहते हैं एकदम अंदर रहते हैं वो लोग, मतलब कि कैसे सर्वाइव करते हैं। और कहीं कहीं मेरे को देखने को मिला यहाँ स्ट्रॉबेरी का खेती होता है और मौसमी का खेती होता है, तो वो बहुत यहाँ पे अवेलेबल है यहाँ से, मतलब कि बहुत जगह मतलब कि थाईलैंड में जाता भी है, तो ये चीज़ मेरे को देखने को मिला बहुत इंटरेस्टिंग। और लोग आगे हैं तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं तो फिर आप लोग सब चीज़ शेयर करते हैं और बाकी बात। फाइनली गाइस आ गए हैं लोकेशन पे, रहने का जगह है जो कि बहुत सुंदर है, चलिए आपको रूम दिखाते हैं, बहुत सुंदर। और यहाँ का नज़ारा सुबह में आपको दिखाएंगे, यहाँ पे ये देखिए ये बनाया हुआ है यहाँ ये सब बैठने के लिए, तो चलिए अंदर रूम में चलते हैं, ये बहुत ही अच्छा जगह है, गेट खुला आए, ये देखिए दिखाते हैं आपको अच्छा से। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, थक गए हैं काफी लंबा ट्रैवल करने के बाद में, आज जाके यहाँ पे आदमी पहुंचा है, कल सुबह शूट है, 3 दिन शूट चलेगा हम लोग का, और 10th, 11th और 12th, इसका मतलब 13th मॉर्निंग को यहाँ से वापस जाएंगे, तो 3 दिन है, दिन शूट का एंजॉय करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, जितना समय मिलेगा एक्सप्लोर करेंगे,
क्योंकि काम करने आया तो काम करेंगे यहाँ पे ना। और एक बात बता रहे थे लास्ट टाइम बोल रहे थे वहां पे उस टाइम की, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे थे मतलब कि ये पहाड़ों की चारों तरफ से पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में मतलब कि रेक देख रेक ऐसे करके ना घर बनाया हुआ है लोगों का, उसमें लोग मतलब कि लोग रहते हैं, लोग सर्वाइव करते हैं। हम लोग ऐसे इंसान रहेगा तो डर जाएगा वहां रहने में, कब पहाड़ गिरे, क्या नेगेटिव थिंकिंग ये सब मतलब की रहेगा, क्योंकि हम लोग शहर में रहे हुए हैं तो हम लोग को यहाँ रहने में डर लगेगा। लेकिन अभी आए हैं यहाँ पे, इंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है रहने में, जगह भी अच्छा है, ठंड काफी है यहाँ पे बैंकॉक में सिटी में, वहाँ गर्म एकदम पसीना हो जा रहा था कल, और यहाँ अभी देखिए कि इतना ठंडा है कि क्या बोले, काफी ठंड है, बिना जैकेट वगैरह का बाहर में आप निकल नहीं सकते, ऐसे निकलिएगा तो मतलब ये शरीर कांप जाएगा आपका। तो अच्छा लगा मेरे को आज यहाँ, अभी फूड लेकर आए हैं, जहाँ पे अभी रुके हैं यहाँ पे थोड़ा शहर टाइप का है, पहाड़ के ऊपर में शहर है, 7-Eleven था, 7-Eleven से ये खाना लेकर आए हैं। रेस्टोरेंट वगैरह मेरे को दिखा नहीं, ढाबा टाइप का कुछ दिखा नहीं मेरे को, 7-Eleven से ये राइस लेके आए हैं और सी फूड लेकर आए हैं, तो ये खाएंगे। और सुबह के लिए नूडल ले लिए हैं, थोड़ा सा नूडल फटाफट खाएंगे, शूट पे निकलेंगे, फिर वहीं पे जो होगा खाएंगे। सुबह हम लोग का कल शूट है, स्ट्रॉबेरी गार्डन में शूट है, फिर से लाइक ऑरेंज जो है ना उसका गार्डन जो होता है, खेती होता है ना उसका, पहला जो शूट हम लोग का है फार्मर थेम शूट है, तो सुबह वहां जाएंगे तो जो होगा मतलब कि देखते हैं, उसके बाद में आप लोग के साथ में शेयर करते हैं। और अभी खाना खाएंगे फटाफट, भूख लगा है। खाना खाने के बाद में कॉस्ट्यूम जितना लेकर आए हैं, ड्रेस लेकर, सारी ड्रेस को आयरन करना है, आयरन करके यहाँ कबर्ड में रखना है बढ़िया से, उसके बाद में जाके थोड़ा फ्रेश होंगे, नहाएंगे उसके बाद जाके सो जाएंगे, उसके बाद आप लोग से फिर कल सुबह मिलेंगे। तो आज वाला वीडियो पूरा देखें तो मेरे को बताइएगा वीडियो कैसा लगा, पूरा जर्नी कैसा लगा चिंग माई तक का। चिंग माई बहुत ही अच्छा जगह है, ये थाईलैंड का नॉर्थ पार्ट में पड़ता है, और ये मतलब कि मोस्टली यहाँ पे आपको माउंटेन ही मिलेगा आपको, तो माउंटेन के ऊपर में जैसे कि हम लोग ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर अंदर आए हैं माउंटेन पे चढ़ के, मतलब कि चढ़ते जा रहा गाड़ी, चढ़ते जा रहा है, स्टॉप भी नहीं हो रहा, चढ़ते जा रहा है, ऐसे घुमा पूरा रास्ता पूरा चढ़ते जा रहा गाड़ी। जितना ऊपर हम लोग आए हैं उतना ठंड बढ़ते गया है, अभी काफी ठंड लग रहा बाहर में, सुबह का माहौल यहाँ आपको दिखाएंगे, तो अभी यहाँ काफी ठंड लग रहा है, अच्छा लगता है यहाँ पे रहने में भी, अच्छा लगेगा, एंजॉय करेंगे। अगर बाय रोड अगर आप लोग आते हैं तो ग्रुप में आइएगा तो एंजॉय करते आइएगा, 10-12 hours लगेगा, एंजॉय करते आइएगा, पूरा ट्रैवलिंग करते मतलब कि व्यूज वगैरह देखते मतलब कि आइएगा तो अच्छा लगेगा। तो एक बार आइए चिंग माई बहुत पुराना बना हुआ, ये सन 1200 कितना था उस टाइम से ये बना हुआ है, माउंटेन रीजन के नाम से ये जाना जाता है, नॉर्थ पार्ट में बताए तो यहाँ पे आके ट्रैवल करने बनता है, तो एक बार आइए यहाँ पे ट्रैवल कीजिए। और अब चलते हैं अपना काम वाम करें, काम वाम करके फटाफट खा कर सोएंगे, तब तक आपसे मिलते हैं फिर।